एनसीआर में स्पेशल सेल की टीम ने छापेमारी की है। स्पेशल सेल की टीम ने न्यूज क्लिक के परिसरों पर छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा जगहों पर पुलिस ने कार्यवाही की है। छापामारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मोबाइल जब्त किए गए हैं। स्पेशल सेल से पहले ईडी ने भी छापामारी की कार्यवाही कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग हुई थी। इतना ही नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग में 38 करोड़ रुपए मिले थे। इससे पहले बीते 22 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू की ओर से दायर की गई एक याचिका पर न्यूज क्लिक के सीईओ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया था, जिसमें अपने अंतरिम आदेश को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों ने दिल्ली में न्यूज क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने न्यूज क्लिक मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो जांच एजेंसियां उस पर काम करती हैं। उन्होंने कहा, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वे अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं। और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में ईद ए मिलाद